मैं आज कालाकंद बनाने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए ना मैं छोटा छोटा नींबू जो है ना उसको 3 नींबू का रस निचोड़ लिया है मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस छानने से ना छोटा सा छानने से मैं इस रस को मैं छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर पाल सीड वगैरह होता है ना, तो मैं इसे अच्छी तरह से छान लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, स्पून से मैं ना देख लूंगी मैं कितना लेमन जूस लिया है। फाइव स्पून लेमन जूस लिया है ना, तो मैं 5 स्पून नॉर्मल वाटर लूंगी इसमें। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। मैं 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध को मैं अभी उसको उबाल आने दूंगी, इसको ढक के रख दूंगी। दूध जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना, जरूरी नहीं दूध उबाल जाए, जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो आप गैस को कम कर दीजिए, एकदम लो हीट में ले जाइए। और थोड़ा सा क्या करेंगे, दूध को ऐसे आप हिलाते रहिए तो दूध का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा टेम्परेचर को ऐसे स्टार्ट करते करते ना थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया, हीट भी एकदम लो में है। अब मैं क्या करूँगी, ऐसे जो मैंने लेमन जूस और वाटर मिलाया था ना उससे एक एक चम्मच, ज़्यादा नहीं, एक साथ 2 चम्मच, ऐसे 2 चम्मच दे दूँगी, फिर मैं इसको हिलाते रहूँगी। क्या है ना, छेना अगर अच्छा होगा ना तो स्वीट्स भी अच्छा होता है। छेना के ऊपर डिपेंड होता है, छेना ज़्यादा हीट में रहेगी तो ड्राई भी होता है, दाना दाना हो जाता है, इसीलिए ये काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। फिर मैं इसमें 2 चम्मच ऐसे मिला दूँगी। दो चम्मच करके देना है और इसे स्टार करते रहना है। देखिए अभी फट गया है मेरा। अब थोड़ा सा इसे मैं दे दूंगी इसमें जो है बीच में, ज़्यादा मैं हीट में नहीं रखूंगी, मेरा छना तैयार हो गया है। अब छना को मैं ना छन्नी में डाल दूंगी और तुरंत ही मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूंगी, क्योंकि ठंडा पानी से धूप कम होगा, एक तो जो लेमन का स्मेल है ना छने में वो चला जाएगा और दूसरी बात ये छाना ड्राई नहीं होगा, नहीं तो ज्यादा गर्म छाना होता है तो ड्राई हो जाता है। बस ऐसे करके दीजिए तो अंदर का जितना टेम्परेचर है ना वो कम हो जाएगा। बस अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा स्पून के पीछे से ना इसको थोड़ा सा पानी को ऐसे ऐसे करके दबा के ना इसके पानी को थोड़ा सा निचोड़ लूंगी। मैंने ऐसे दबा दबा के पानी को निचोड़ लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी, ऐसे ही रहने दीजिए। जब मेरे 15 मिनट हो गया है, मैं ना छेने को हाथों से ऐसे मैश नहीं करूंगी, डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसमें वो जो टीस्पून से थोड़ा बड़ा है ना स्पून जो है टेबल स्पून, उससे 4 टेबल स्पून में मिल्क पाउडर, कोई भी मिल्क पाउडर जो मैंने अमूल स्प्रे लिया है जो, तो इससे क्या करेंगे मैं 4 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी। और क्या है ना, जो कॉन्डेंस्ड मिल्क है वो 150 ml लिया है मैंने, थोड़ा सा 150 ml से थोड़ा सा कम 150 ml मैंने इसमें डाल दूंगी। अब सारी चीजों को ना मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं गैस चलाऊंगी। अब मैं गैस को लो हीट में, एकदम से लो हीट में रखूंगी, ज्यादा हीट में होगा ना तो नीचे ये बर्न हो जाएगा, इसीलिए मैं एकदम लो हीट में इसको रखूंगी और अच्छी तरह से कॉन्स्टेंट स्टार करते रहूंगी। ये थोड़ा सा काम है और कुछ नहीं, ऐसे करके मैं स्टार करते रहूंगी लो हीट में इसको। हाँ, बस ऐसे करके ही ना आप इसको स्टार करते रहिएगा। देखिए कैसे ठीक होकर आ गया है। अभी ज्यादा ड्राई मत कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, थोड़ा सा
स्टिकी स्टिकी ऐसा जो होगा ना, हो गया मेरा, अभी देखिए साइड छोड़ दिया है। अभी मैं इसमें दो तीन इलायची को क्रश करके इसमें डाल दूँगी, बस जल्दी जल्दी मिला दूँगी, उसके बाद मैं इसे नीचे ले आऊँगी। एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा दिया है मैं, देखिए हो गया मेरा। अभी मैं इसको अभी नीचे ले प्लेट में ले लूँगी। ज़्यादा ड्राई मत कीजिए, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी ऐसे ही इसको नीचे ले आइए, ज़्यादा ड्राई खाने में अच्छा नहीं लगता। मेरे थोड़ा सा हाथों में घी लगा के ना इसको थोड़ा सा ऐसे करके एक शेप में ला रही हूँ। स्क्वायर टिन में भी आप कर सकते हो, लेकिन वो ना स्क्वायर टिन में करेंगे तो फास्ट चुपहले जो स्क्वायर उसको खुल के खुलने के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप ऐसे प्लेट में कर लें। हाँ, ऐसे शेप दे दीजिए एक, हाथों में थोड़ा सा घी लगा के मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। पिस्ता को ना आप गर्म पानी में एक दो मिनट बॉयल कीजिएगा, उसके बाद उसके ऊपर का जो स्किन है वो फेंक दीजिए, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा प्लेट में सुखा लीजिए, इसके बाद क्रश कीजिएगा, तो ये इसका जो ग्रीन कलर है ना वो निकाल के आती है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं काटूंगी इसको। मेरा कालाकंद तैयार हो गया है, मैंने आधा घंटा ठंडा होने के लिए रखा था, उसके बाद मैं स्लाइस में काट लिया। खाने में बहुत ही अच्छा है सच में। आप क्या करेंगे ना, उसको काटने के बाद ढक के रखिएगा, नहीं तो क्या होता है ओपन रहता है तो ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा है खाने में। मेरा चैनल नया है लेकिन रेसिपीज बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।